गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सॉल्यूशन भिजवा रहा हूँ, बीच में कहोगे तो एक सवाल ले भी लूंगा मैं, लेकिन लेकिन अभी मेरा एक टारगेट है वो पूरा कर लेते हैं। मेरे को दो सवाल मुझे करा लेने तो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ जरा एक बार के लिए। ये आप सवाल कॉपी कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला पार्ट कॉपी कर लीजिए। देखिए एक्स प्लस टू अपॉन, देखिए एक्स प्लस टू अपॉन, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। एक आप लोगों को अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा कराना है, क्या है आगे आगे एक ध्रुव आपको और आपको बेटा है। चलते हैं जरा, ये आगे हमारे पास चले आगे हम लोग नहीं चले। अरे कॉपी करना मेरे भाई, जल्दी करना है। ओए होए मेरे बच्चे, संस्कृति आपको भी एक सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करानी है बेटा अपनी, है ना संस्कृति? आप सुन पा रहे हैं हमें? वो पापा को बताया बेटा। हाँ तो मैं बात कर रहा था एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। पहले भी इस तरह के सवाल किए हम लोगों ने, दो सवाल मुझे कराने तो आधा घंटा निकल जाएगा उसी में। चलिए सवाल क्या है बोलोगे? एक्स प्लस टू अपॉन इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? इनको करने का तरीका होता है, एक एक एल्गोरिथम है। इस फॉर्म को हम पता क्या बोलते हैं, इसको आम भाषा में बोला जाता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं संस्कृति? लीनियर अपॉन संस्कृति क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्वाड्रेटिक मतलब इसको बोलते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब नीचे क्वाड्रेटिक आएगी और ऊपर कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास? लीनियर आएगा। इसको करने का एक बड़ा तरीका है, मैं बड़ा तरीका नहीं सिखा रहा, डायरेक्ट ही शॉर्टकट पे लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है? ताकि हम टाइम बचा पाए थोड़ा सा। तो उसको एक रटने वाला तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। पहले 5 मिनट में समझ लेंगे, या एक ओरिजिनल तरीका भी करना चाहते हो? ओरिजिनल भी करा दूँ एक बार? ओरिजिनल भी कर लेते हैं, चलो ओरिजिनल तरीका भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा बड़ा है। आप क्या करेंगे, x प्लस टू को है ना कैसे लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, ए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर से मैंने रिपीट किया, यहाँ x प्लस टू जो भी ऊपर लिखी होगी उसको क्या लिखेंगे, a, और नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी लिखेंगे। क्या हो गया इसका मतलब, ये x प्लस टू इक्वल टू क्या हो गया, a कितना आ गया बेटा, फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी आ गया। यस और नो? कॉन्स्टेंट है बेटा ए और बी, कुछ भी मान लो लैम्बडा और म्यू मान लो वो चलेगा। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, क्या करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। उसी चीज को करने का शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा मैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ वन, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है फोर, लेकिन ये इससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए से भी हो रहा है। कहो तो मैं ब्रैकेट खोलूँ, या आपको समझ में आ गया कि एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, फोर ए होगा बेटा, कितना होगा, इसका मतलब क्या हो गया, वन इक्वल टू कितना हो गया, फोर ए। ये तो एक्स का कोफिशिएंट आ गया। अब यहाँ पे बिना एक्स वाली टर्म, मतलब कॉन्स्टेंट कितना है एलएचएस में, टू, यहाँ पे कितना है, सिक्स नहीं है, सिक्स का तो ए भी मल्टीप्लाई होगा सिक्स से, और साथ में बी भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सिक्स ए प्लस बी आ गया। क्या आ गया, सिक्स ए प्लस बी आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ए कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे निकल के, नहीं वन बाय फोर आ गया। संस्कृति बात समझ में आ रही है ना आपको, क्या करेंगे, सिक्स इंटू वन बाय फोर प्लस बी, मतलब यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी क्या हो जाएगी, कितना हो गया, थ्री बाई टू हो गया। अब ये उधर जाएगा तो टू माइनस कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू इजिकल टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वन बाय टू। संस्कृति यहाँ तक बात समझ में आई है आपको क्या? ये टू एलएचएस में देखेंगे ना हम लोग, कंपेयर करा ना कोफिशिएंट को, यहाँ तो हमने एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करा, यहाँ पे हमने कांस्टेंट वाली टर्म कंपेयर करी, तो एलएचएस में यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट वन था और यहाँ पे एक्स मतलब बिना एक्स वाली टर्म कितनी आई थी हमारे पास, टू आई थी हमारे पास। तो हमने कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने ए और बी किसके बराबर है, यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 5 मिनट समझ लेते हैं, कॉपी कर लेना कोई बात नहीं। ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग,
ए और बी की वैल्यू कितनी है? ये तो लिख लिया था, नहीं लिखा था, नहीं लिखा, लिख लिया। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि एक्स प्लस टू इसके बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए कितना है मेरे पास बताओ जरा, ये 1/4 4x+6 प्लस 1/2, और अपॉन में कितना है बेटा पूरे गेम में? 2x² + 6x + 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये हो गया संस्कृति, यानी कि मैंने क्या करा, केवल x प्लस टू को स्प्लिट करा इतने इतना ड्रामा करने के बाद, और मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग कैसे हो गए बताओ जरा। 1/4 अलग आ गया, और ये कितना है 4x+6 अपॉन कितना आएगा ये प्लस कितना आ जाएगा 1/2 कितना 1/2 के पूरे के अपॉन में है ना, तो 1/2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। नहीं बेटा वो 1/2 लिखते तो ऐसे ही है ना हम लोग, बेटा लिखते तो 1/2 ही है ना, ये जैसे कभी 1/2 / कुछ लिखा हुआ है, ये 2x² + 6x + 5 इसका मतलब इसके अपॉन में 1 होता है, तो इसका मतलब 1/2 यही तो आ जाएगा बेटा फिर, ठीक है। लिखते तो हम ऐसे ही हम लोग, यहाँ तक बात मेरे को समझ में आ गई है। अब सर अब इंटीग्रेशन तो हुआ नहीं, बातें बातें करे जा रहे हैं हम लोग, और हमेशा क्या करेंगे, नीचे वाली चीज को टी पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? टी पुट करेंगे इसको, इसको हम I1 और I2 मान के भी कर सकते हैं, पर मैं बड़ा नहीं करना चाहता, और क्योंकि यहाँ पे इसको टी पुट करिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा को बताएगा टी पुट के, वो हमेशा कटेगा, हमने सेटिंग ही ऐसी कर ली है, ये हमेशा क्या होगा क्योंकि हमने इसको लिखा ही इस फॉर्म में है पहले ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम इसको ऊपर कैसे बन गया 4x+6, तो ये अभी तो करा ना मैंने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, x+2 ही आएगा, दिखाऊं जरा एक बार, ये 1/2 ये कर दिया ना मैंने, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर लिया ना, अलग अलग करा है मैंने, सेपरेट कर लिया दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये तो दोनों के अपॉन में, ये टर्म अलग कर ली मैंने, ये टर्म अलग कर ली, और मैंने किसको लेट कर लिया, लेट किसको करा मैंने 2x² + 6x + 5, इसको हमने क्या मान लिया पी, कितना हो जाएगा dt/dx कितना हो गया 4x+6, एक बार कर लेते हैं कॉपी, अभी समझ लेते हैं पहले 1/4 ये कितना हो जाएगा 4x+6 ऐसे कैसे, और इसको हमने क्या माना था पी, और dx के लिए कितनी आएगी, ये इसका तो जन्म ही किस लिए हुआ है, ये कटने के लिए कट गया हमारे पास, ये dt/t हो गया, मतलब 1/t हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, तो कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा log t + t, बाद में लगाएंगे खट्टा जब दोनों का कर लेंगे हम लोग, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, टी की क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, वैल्यू टी किसके बराबर है बताओ जरा, 2x + 6x + 5 पसंदीदा सवाल है सीबीएसई का, प्लस अब ये वाला पार्ट कर लेते हैं, इसमें क्या चल रहा है यहाँ से कर लेते हैं, वो तो हमने पुट पुट किया है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है वही पुराना वाला काम कर लेना है, इसमें क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेंगे इसको हम लोग, क्या बना के कर लेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर, कई बच्चों को बड़ा सवाल लगता है तो उसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, फिर I1 और I2 अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, वो थोड़ा और रायता फैल जाएगा, पहले ही बहुत बड़ा है, बाकी मैं उसको चार लाइन में भी करने का तरीका सिखाऊंगा आपको, ताकि फटाफट गोली की तरह कर लेंगे इसको। ये आगे हमारे पास कैसे बनाएंगे इसको हम लोग 1/2, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे बताओ जरा, क्या कॉमन निकालोगे यहाँ से, 2 कॉमन निकालेंगे, कितना बच जाएगा अंदर x² + 3x + 5/2, ये हमने कल किया भी था सर की प्रैक्टिस, ये कितना हो जाएगा प्लस में ये 1/4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा dx/, क्या रह गया बताओ जरा, x² + 3x + 5/2, हम उसको क्या लिखेंगे x square, हेल्प करना मेरी, x² + 3x + 5/2 प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग 3/2 का स्क्वायर, क्या करेंगे प्लस करेंगे, और 3/2 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, संस्कृति बात ठीक है नहीं, हाँ जी ये तुम्हारा आंसर आ गया, तो केवल I1 I2 मान लेते हैं क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया आंसर, वो आगे चलता रहेगा हमारे पास, वो थोड़ी सी मजबूरी है, कितना हो जाएगा प्लस में 1/4 कितना हो जाएगा फिर ये dx/x + 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस का 9/4, ये हमें साथ साथ देखे चलना पड़ेगा साथ साथ में, तो आंसर आ गया ना, तो फिर जितना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगले सवाल में आपको I1 और I2 मान के करा दूंगा, ये हो गया प्लस कितना आ जाएगा ये 1/4 कितना हो जाएगा फिर dx/1 में कितना x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया एलसीएम कितना आ गया 4,
टेन माइनस वन तो वन बाय फोर आ गया, सीधा लिख दूं मैं, वन बाय टू का स्क्वायर लिख दूं सीधा मैं, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है, वन अपॉन, बोलो जरा, वन अपॉन ए, आगे बोलो जरा, याद नहीं आ रहा मुझे, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो कितना हो जाएगा, ये तो साथ साथ चलेगा चलेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव चल रहे हैं, प्लस में वन बाय फोर आपने बताया फॉर्मूला उसका, वन बाय ए, तो वन बाय ए, ए का मतलब वन बाय टू, तो वन बाय ए, वन बाय टू कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू प्लस सी। अब क्या होगा, टू से फोर कट जाएगा, ये कितना रहेगा आंसर, ये वन बाय फोर लॉग टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस वन बाय टू, कितना आएगा ये, टेन इनवर्स एलसीएम लोगे कितना आएगा, टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू, और ये वन अपॉन टू तो कट जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तीन नंबर के लिए पूरी पूरी दावेदारी रहती है सवाल की, दस में से सात आठ बार पूछा जाता है सीबीएसई में, नहीं तीन से ज्यादा का अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा तरीका बताऊंगा मैं कि चार नंबर में केस स्टडी आती है, पांच नंबर के लिए पहले बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, हैव यू गॉट इट, नहीं मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा अगले सवाल में बताऊंगा मैं, पहले इसको कॉपी कर लेंगे जरा, ₹3 का आएगा बेटा ये, हाँ बेटे स्कूल वाले दे देंगे पांच का, एक अलग बात है, कॉपी कर लेंगे इसको करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ भी जो शुभम कैसे हो बेटा, शुभम आप हमें सुन पा रहे हैं क्या, शुभम आप हमें सुन तो पा रहे हैं आप हमें, शुभम वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड ग्रेट, 4 ms क्या लिखा हुआ, यू चाइना,
अच्छा 4 MSU चाइना, ये सवाल होगा मिस यू चाइना होगा। थोड़ा अगर आप जा रहे थे तो मैं आगे चल पड़ूँ जरा। नहीं थैंक यू सर, इसमें टाइम लगता है। हॉट केक आइटम है CBSE का ये। डिफरेंस इन इंडिया एंड कोलंबो टाइम, तो इंडिया और श्रीलंका के टाइम में कोई फर्क नहीं होता। आ गया पाकिस्तान आधा घंटा। चलो भाई मैं आगे थोड़ा सा। कितना तो चल सकता हूँ आगे, चल जाऊँ थोड़ा सा कितना भी। चलो ठीक है ठीक है, रुक गया। इसका करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका देख, या I1 I2 से करना चाहिए आपको, I1 I2 से कर लें थोड़ा सस्ता पड़ेगा फिर वो, लेकिन 2 स्टेप ज़्यादा ही लगते हैं मुझे। सबने कर लिया कॉपी? अलाउ है मुझे अभी सर्च करें, थोड़ा जल्दी करो सर। चलें पक्का, एक क्वेश्चन और करेंगे ट्राई, हम लोग देखेंगे जरा। सही उठा लिया हम लोगों ने, एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई हम लोग। कौन सा उठाना चाहते हो? बिना अंडरवुड वाला उठा लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 18 उठा लेते हैं। लिख लो जरा भाई, ये ऑर्डर को सीधा लिख देना इसको। ये 1 + 2 + 3x² है ना, तो क्या लिख देते हैं इसको लोग, 3x² + 2x + 1। थोड़ा अपना पंसा लगेगा, अपना भारत लगेगा।
सर इसको लिख लीजिए, 5x-2 अपॉन ये 7.4 है बेटा, मैं करके दिखाऊंगा उसको, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करेंगे जितना सस्ता पड़ सके हमें। 5x-2 3x² + 2x + 1 शॉर्टकट से करेंगे। ये तो बता दिया कि अगर शॉर्टकट भूल जाओ वो रटने वाला तरीका है थोड़ा सा, इसलिए कह कर जैसे मैंने पिछला सवाल करा था, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है आपको पहला सवाल, पिछला सवाल यही तो है। आपने देखा हमारे पास ए और बी की वैल्यू कितनी आई थी, कोई बच्चा बताएगा मुझे यहाँ पे की वैल्यू कितनी आई है? 1/4। बी की वैल्यू प्रीति जी कितनी आई है? 1/2 आई है। शुभम जी बताइए बी की वैल्यू कितनी आई है? ये सब मैं करना नहीं चाहता हूँ सर, मैं बिल्कुल ड्रामा नहीं करना चाहता, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, जुगाड़ टेक्निक है, यानी कि एक्स प्लस टू को हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया आपको क्या लिखेंगे, ए डी वाई डी एक्स प्लस बी लिखते हैं हम लोग। अब हम वो चक्कर खत्म करेंगे, वो लिख के ही तो हमने काम किया। आपका सवाल क्या था, एक्स प्लस टू अपॉन में कितना था बताओ जरा, कितना था? नहीं, पुराना वाला था, 2x² + 6x + 5 यही सवाल था ना शुभम जी। अब मैंने एक्स प्लस टू के दो टुकड़े किए थे हम लोगों ने, अब हम भी करते हैं, क्या लिखेंगे अब हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, 4x + 6 सीधा लिख दिया। अब मुझे लाना क्या है ऊपर, एक्स प्लस टू लाना है तो एक्स लाना है मुझे, लेकिन मेरे पास जबरदस्ती में यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मुझे 4 को हटाना है, मेरा टारगेट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे इसको, 1/4 से मल्टीप्लाई, कि मुझे खाली क्या लाना है वहाँ पे, एक्स लाना है, और 2 तो यहाँ पे आ ही रहा है तो मैंने 2 लगा दी यहाँ पे, 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा एक्स आ गया, मेरा क्या आ गया, 2 भी आ गया, यानी कि लेकिन एक एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, कितनी आ रही है, 1/4 × 6 कितना हो गया, वो 6/4 क्या हो गया, और 6/4 मुझे क्या करना पड़ेगा, फालतू आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, यस और नो बताइए जरा, यस और नो, ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करो कितना आ रहा है, 1/4 4x + 2 और ये कितना आ गया, और 2 में से 6/4 गया तो कितना आएगा, 1/2, यही तो था मेरा 1/2 तो चाहिए, मेरा आ गया, मेरा ए मेरा 1/4 आ गया, बी मेरा 1/2 आ गया। कैसा लगा जो आ टेक्नोलॉजी है, इसमें ए और बी को निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा बी कैसा है, देखो यहाँ पे ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 में से 6/4 गया तो कितना आ गया, नहीं 2 - 3/2 कर 1/2 नहीं आ गया, आया नहीं आया, समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा, तो ए और बी की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, मैं निकाल के दिखाता हूँ जरा, देखो यहाँ पे मैंने एक सवाल दिखा था अभी, कहाँ चला गया वो, क्या सवाल था बताना, 5x-2 इसका जुगाड़ देखो क्या बनेगा, आसानी से देखो यही एक लाइन में ए और बी का टंटा ही खत्म, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, ओहो लड़के रुलाएगा क्या, कितना आएगा, ये नीचे तो ऐसे कैसे रहेगा, मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंशिएशन लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, 6x + 2 आएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए यहाँ पे, 5 चाहिए, तो क्या लगा दो यहाँ 5, लेकिन 6 जबरदस्ती आ रहा है, 6 से क्या कर दो यहाँ पे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 5x आ जाएगा, नहीं आएगा, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 10x/6 फालतू में आ रहा है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, 10x - कर देंगे यहाँ पे हम लोग, फालतू आ रहा है, बस को सॉल्व कर लो, सिंपल आ गया, कितना आ गया, इसको अलग अलग कर लें बेटा, अलग अलग कर लें इसको, 5x6 कितना आएगा, ये 6x + 2 अपॉन कितना, 3x² + 2x + 1 -dx - कितना हो जाएगा, 12 - 2 कितना आ गया, 22/6 अगर कहो तो मैं 11/3 लिख दूँ, ये कितना आ जाएगा, dx/1 में कितना आ जाएगा, 3x² + 2x + 1 हाँ -11/3 तो वो निकल के आ गया, नहीं आगे कहानी। अब इसको हम क्या पुट करेंगे, हमेशा की जगह पी पुट करेंगे, और इस वाले में परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। अगर मैं आपकी आसानी के लिए काम करता हूँ, i = पता है मैंने कितना लिखा, 5/6 i1 -11/3 i2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत आई नहीं, उसके नीचे डी नहीं होगा ना, अलग अलग हिस्से है ना, क्योंकि वहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। अब मैंने इनको i1 और i2 मान लिया भाई, इसको मैंने पूरे को i1 मान लिया, कॉन्स्टेंट बाहर रखा, 11/3 यहाँ लिखा, बाकी को मैंने क्या मान लिया, it मान लिया। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ और वैल्यू पुट कर लेता हूँ। i1 कितना है मेरे पास बताओ जरा, i1 क्या बताओ जरा मेरे पास, दोबारा बताओगे i1 कितना है, 5/6 हटा दिया था ना मैंने, 6 + 2 अपॉन कितना है, 3x² +
इस पार्ट को कैसे करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं टी इज इक्वल टू कितना, वन कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वो सीधा काट दूं मैं अब, अगर कहो तो मैं ना लिखूँ तो कितना आ जाएगा, आई वन कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन टी नहीं आ जाएगा, कितना हो गया ये लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू कितनी है, ये आई वन निकल के आ गया मेरे पास, थोड़ा सा मैंने आसान करने की कोशिश करी। आई टू कैसे निकलेगा, आई टू कितना था मेरे पास बताओ, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, वो तो बाद में क्यों घसीटे 11/3 को, ये आ गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कितना कॉमन लूंगा पहले मैं यहाँ से बताओ, थ्री कॉमन ले लूंगा नीचे, कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई थ्री प्लस 1/3, अब 1/3 बाहर आ गया, कितना हो गया ये अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/3, 2/3 का आधा कितना होता है 1/3 होगा नहीं होगा, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस और 1/3 का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस हो गया, बात समझ रहे हो मेरी बात, नहीं कितना आ जाएगा ये फिर 1/3 डी एक्स अपॉन कितना स्क्वायर बनेगा ये प्लस 1/3 माइनस 1/9, कितना हो गया ये 1/3 कितना, डी एक्स अपॉन कितना एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा एलसीएम 9, तो 3 माइनस 1 2/9 आ गया, 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यह फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा 1/3 वन अपॉन ए वन अपॉन रूट 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 अपॉन रूट 2/3 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा कितना बचेगा ये 1/√2 और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स रूट 2 प्लस 3, ये मेरा आई टू आ गया, अब आई वन और आई टू को जोड़ दूँ, थोड़ा पहले वाले से इजी लगा, थोड़ा सा थोड़ा है तो बड़े लेंदी, थोड़े को 3 नंबर का आएगा लेकिन हो सकता है आपके हाफ एडली वगैरह में 5 का भी दे दे टीचर, सदर तरीके से बताए वो ए और बी वाला वो कट जाता है, तुम को समझ नहीं पाते हैं, आई वन आई टू मान के थोड़ा ठीक सा हो गया, रायता ज्यादा फैल गया, बेटा संस्कृति थोड़ा म्यूजिक कम कर ले अपना, हाँ आवाज आ रही है बेटे मेरी, तेरह ओवर में 81/5 सब नए लड़के हैं इंडिया का जिम्बाब्वे, अरे उनकी है दूसरे वालों की, जिम्बाब्वे को एक बात बताऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा महंगाई है दुनिया में जिम्बाब्वे, हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ही हाइपर इन्फ्लेशन, आप सामान में जो सामान ट्रॉली में सामान लेके आए थे मॉल से, उस ट्रॉली के अंदर पैसे भर के लेके जाओगे तो एक सॉस की बोतल मिलेगी आपको,
तीन अंडे पता है कितने के हैं, कितने के होंगे तीन अंडे वहां? पचास करोड़ रुपए के हैं तीन अंडे, पचास। गूगल पर करके देख लो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थ्री अंडा। वहां तो इंडिया, वहां तो इनकम तो अरबों खरबों में है। वहां पॉटी साफ करने वाला जो पेपर है वो सस्ता है और वो महंगा है, करेंसी सस्ती है, ये हाल है वहां। हाइपर इन्फ्लेशन है जिम्बाब्वे में। अभी गूगल पे टाइप करोगे तो पता लग जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। वहां नोटों की गड्डियों को लोग ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ले जाते हैं कि करेंसी इतनी डी लोगों को लगता होगा पता नहीं यार मज़े आ गए, मैं जाके मज़े करूँगा वहाँ पे, करोड़ों अरबों में खेलूँगा मैं तो। भाई एक मिठाई की, मिठाई की बोली है कि 10-1 लाख रुपए की, तो एक दूध होगा 10 लाख रुपए लीटर। हाँ, एक ही मेरे स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया था हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे पे। जिम्बाब्वे पे बनाया क्या उसने भी? मेरे को नहीं पता किस तो। अच्छा, अरे मैं तो 2008 की बात बता रहा हूँ। 2008 में बनाया था मेरे एक स्टूडेंट ने, तुम तो पैदा भी नहीं हो गए, एक साल के हो गए तब बनाया था उस बच्चे ने प्रोजेक्ट। तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे थे और वहाँ जिम्बाब्वे की करेंसी टूट गई। ओह व्हाट ए कोइंसिडेंस। चलिए संस्कृति, हाँ जिम्बाब्वे जाना चाहोगे? हाँ, बहुत गरीब कंट्री है जिम्बाब्वे, वी आर फॉर्चुनेट। हाँ गरीब, वैसे गरीब है, वैल्यू कहाँ है? कुछ भी नहीं है वैल्यू। अब मैं इंडोनेशिया होके आया था अभी, वहाँ पे क्या हाल था? ठीक है, 1 रुपया पता है हमारा कितने का चलता था? 200 में चलता था वहाँ, 1 रुपया 200 रुपये में। वहाँ पार्किंग पता है कितनी लगती थी? देखो 5,000 की पार्किंग है, मैं तो घबरा गया, 5,000 की पार्किंग देनी पड़ेगी, मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय 225 रुपए की पार्किंग थी। ठीक लगा? नहीं तो हिसाब किताब ही मतलब अलग है। जो मेरे फ्रेंड के यहाँ मेड काम करती है, 14 लाख रुपए महीना लेती है वो, 14 लाख रुपीज पर मंथ है उसकी सैलरी मेड की, मतलब कितनी डिवाइड बाय 200 कर दो, 7,000 रुपये महीना के लेती है। अब वो 7,000 महीना तो ठीक है, कह रहे 14 लाख तो मेड को देता हूँ मैं। मैं तो घबरा गया एकदम, चक्कर आ रहे थे मुझे तो। मैंने, तेरा पैकेज कितने का है? कितने का पैकेज होगा उसका? 200 रुपये का मर्जी तो रहा। नहीं 10 करोड़ रुपये, हाँ उसका 120 करोड़ रुपये का पैकेज है। हाँ 50 लाख रुपए की तनख्वाह है उसकी, तो 50 लाख रुपए पूरे पूरे साल के बोलते, 50 लाख को 200 तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 50 लाख, 5 करोड़, 100 करोड़ रुपए मिलते हैं। हाँ 100 करोड़ रुपए की तो उसकी तनख्वाह है, प्लस 3x+1/√2। हमारे डिनर का बिल आया था 16 लाख रुपए का, मैं तो घबरा गया यार। मैंने 16 लाख रुपए का बिल आएगा, 16 लाख डिवाइडेड बाय कर दो 200, कितने का बिल आया? 8,000 का बिल लगा यार, 8,000 का तो चलो ठीक है यार। किसी से बातें करो मतलब छोटी बातें ही नहीं हो रही हैं, मैं तो पागल भी हो गया। तीन तीन करेंसियाँ संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, इंडोनेशिया की करेंसी अलग, मलेशिया की अलग, सिंगापुर की करेंसी अलग। हाँ नहीं है, इंडिया लेके गया था करेंसी है, नहीं एयरपोर्ट से नहीं लिया, मेरा दोस्त का काम है ना करेंसी का। चलिए आगे, तो मैंने एक सवाल करने की कोशिश करी, एक सवाल मैं और करके देख लेता हूँ साहब, मेरा तो मन है सवाल करने का, मतलब आपको समझ में आ गया लॉजिक आपको? एक सवाल आपसे करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? तीसरा वाला बताए, कौन सा तीसरा वाला बेटा? हाँ 3-4 स्टेप का मतलब है कि मैं सीधे खा जाऊंगा चीज़ों को। देखो कर लेता हूँ मैं, एक तो कुछ भी लिख दो, जो मन में आया वो लिख दो,
उस पर सवाल निकल जाएगा आपका। बोलो कुछ भी लिखो बताओ। देखो मैं कैसे करूँगा, कितना शॉर्टकट करूँगा, मान लो यही है, इसका इंटीग्रेशन करना, कितना छोटा छोटा करूँगा। देखो मैं क्या जुगाड़ लगाऊंगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखूंगा मैं, देखो कैसे लिखूंगा मैं, देखो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए ऊपर, थ्री चाहिए तो मैंने थ्री लगा दिया, लेकिन आ क्या फालतू में कौन आ रहा है यहाँ पे, टू आ रहा है, प्लस में कितना लिखूंगा यार, टू तो चाहिए चाहिए, फालतू कितनी चाहिए थे मेरे पास, थ्री टू जा, थ्री फाइव जा, 15/2 फालतू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपॉन में कितना आ गया। अब मैं इनको अलग अलग करूँगा, अलग अलग करके कितना आएगा ये, अपॉन कितना आएगा ये, माइनस का कितना आएगा, 2 × 4 -15, 11/2 अपॉन में कितना, 1/1 में। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको टी मानूंगा हमेशा ही, उसका डिफरेंशिएशन आएगा, ये हमेशा 1/2 बनेगा, 1/2 बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग टी, सीधा आंसर लिख दूंगा उसका, कितना 3/2 लॉग, लिख सकते हैं इसको भी सीधा, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसका क्या बना दूंगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर भी आसानी से बन जाएगा, कैसे बनेगा ये, एक्स प्लस में कितना 5/2 का स्क्वायर, प्लस 2 तो था ही, अब क्या करेंगे, माइनस का 5/2 का स्क्वायर। हमें स्टेप खाऊंगा तो ये भी स्टेप नहीं दिखाऊंगा, ये भी दिमाग में कर लूंगा, ये 2 आएगा, माइनस का 25/4, 25/4 का मतलब 4 − 25/4 −21/4 −√21/2 का स्क्वायर, सब अंदर अंदर खा जाऊंगा चीज़ों। एक सेकेंड मेरे भाई, एक बार में देख लेते हैं ज़रा कितना आएगा मेरे पास, ये −11/2 कितना आ गया, कितना आएगा, एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर, अब कितना आएगा, माइनस का 25/4 आएगा, हाँ 4 × 8 सॉरी, 4 × 8 −25 माइनस का 17/2 का स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया ना इसे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने थे, स्क्वायर का क्या लगा देंगे हम लोग, अंडर रूट होगा, सॉरी सॉरी, यही तो रहता है, देखो डायरेक्ट करने की जगह में कुछ खान आ जाए, √17/2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने थे, स्क्वायर का क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ पल्ले पड़ रहा है कॉपी कर लेंगे। हो गया नहीं हो गया, जल्दी आप ए और बी कंपेयर करने वाला तरीका करना चाहोगे, डायरेक्ट लगाना चाहोगे, छोटा सा बताओ, अलाउड है डायरेक्ट लगाना, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप, एकदम एक नंबर हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर, चलिए सर। हाँ जी,
थोड़ा आराम दे दें फोन को थोड़ा सा। कैसा लगा आपको बताओ, समझ में आ रही है चीजें कैसा हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है। आज का दिन और हम लगा लेते हैं थोड़ा सा, तीन फॉर्मूले और लिखो जरा फटाफट से। हाँ हमने फॉर्मूले किए थे पहले आपको याद है, अब हम करेंगे क्या, अब नीचे इन पर अंडर रूट लग जाए तो क्या होगा। हाँ हमने पहले तीनों फॉर्मूले किए थे लेकिन कभी उनके ऊपर क्या नहीं था बेटा, अंडर रूट नहीं था, क्या इनके साथ अंडर रूट लग गया है तो क्या करेंगे हम लोग। चलो आगे मैं बता किस वाले का, अरे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस करके सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या होगा लॉग एक्स प्लस करके सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। प्रस्तुति मेरी बात समझ में आ रही है, इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस होने पर फॉर्मूला हो जाएगा। ये दिमाग में सेट हो गई नहीं, ये 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 ब्रैकेट है, ये तो एंगल है, चले आगे सवाल कर लें इसके ऊपर ही भेज हम लोग, मतलब ये फॉर्मूले हमें लगाने अप्लाई करने आने चाहिए। देखिए जरा कोई भी सवाल उठा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने सवाल उठा लिया क्वेश्चन नंबर फोर उठा लिया, फोर क्या एक बार कितना है, वन अपॉन अंडर रूट में कितना ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है आपको, तो वन अपॉन में कितना है हाँ, तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसका, क्या ये फॉर्म में है क्वेश्चन ये, लेकिन थोड़ी सी कमी है, स्क्वायर होना चाहिए खाली। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 25 वाला, तो 25 क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें फॉर्मा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना चाहिए हमारे को, वन चाहिए, 25 कॉमन निकाल लेते हैं तो बाहर क्या निकलेगा, अंडर रूट से बाहर 5 निकलेगा, तो कितना लिखो 1/5 1/9/25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, मतलब टू मैंने 25 कॉमन निकाला ना अंदर ही अंदर, 9/25 हो गया, उसको क्या लिखूँ मैं 1/5 कितना क्या लिखूंगा मैं, उसको सीधा भी हो जाता है मैं ऐसे करेंगे हमेशा, ये आ गया मेरे पास, अब तो सीधा क्या लगाना है इसके अंदर, मुझे फॉर्मूला लगाना है सर, क्या फॉर्मूला आएगा इसका, 1/a 1/a नहीं रहेगी क्या है, 9 इनवर्स x 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
सकते हैं 5x स्क्वायर भी रखेंगे तो अपॉन 5 करते हैं फिर हम लोग, तो x को क्वेश्चन से डिवाइड करना पड़ता है। आप बिल्कुल बना लो कि यार x स्क्वायर का क्वेश्चन कितना होगा, 1 होगा, वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाती है। वो मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे तो आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप ट्राई करके देखना, बाकी मैं अपनी तरफ से कराऊंगा कराऊंगा आपको। एक सवाल और कराऊंगा, एक सवाल कराने का और मन है मेरा। गलती से लगा दिया। और करेंगे आखिरी सवाल, कोई भी सवाल उठवा लो मुझसे। देखो वैसे मैं तो आपको चार पांच सवाल करके देखता हूँ। अब इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आ गया आपको, यहाँ से माइनस का निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव भी होना चाहिए, माइनस कॉमन निकाल लेना, एक बार करके देखना एग्जाम्पल के साथ। मैं शुरू के चार पाँच सवाल करा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल को बच्चा बताएगा कैसे करेंगे। देखिए पहले सवाल में काम करना पड़ेगा अगर आपको याद हो तो। यहाँ बन तो रही है फॉर्म, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा पहले, इसको पता मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। मैं इसको x क्यूब का स्क्वायर लिखूंगा, मैं ऐसी सेटिंग बनाऊंगा स्क्वायर की फॉर्म में, और मैं x क्यूब को क्या मानूंगा यहाँ पे, मैं c इक्वल टू x क्यूब कर लेंगे हम लोग, उससे इसका डिफरेंशिएशन आएगा, क्या आएगा देखो, dt अपॉन dx इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर ऐसे गया ऐसे, ये कितना आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, और dx के लिए कितनी आएगी यहाँ से, इसका तो जन्म ही कितना बच गया अभी, टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो कितना हो गया बेटा, वन बाय वन टेन इनवर्स टी बाय वन प्लस सी हो गया, बिना रूट वाला है ना, तो हो गया वन, वन तो है, कितना रह गया यहाँ पे, टेन इनवर्स टी रह गया, टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यू प्लस सी, यस ठीक है। और आपको याद है हमने डिफरेंशिएशन का सवाल किए थे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो जिसका एक्स क्यू का कितना हो गया डिफरेंशिएशन, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। हम उल्टा करें, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये इनमें क्या करा, मतलब हमने कुछ नहीं करा, खून खराबा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है हमारे को, लड़ना नहीं है हमारे को, हमें केवल क्या मानना है, ये मानना है बिल्कुल सवाल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या किसको डी मानेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ तो ये तो सिंपल ही है, फोर क्या निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, अभी किया था मैंने, इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना ही हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्या किस में थे सेकंड में फोर, हाँ मतलब फोर कॉमन लेंगे तो बाहर टू आ जाएगा, एक बार करके देखेंगे, देन आई विल हेल्प यू ऑल्सो। हाँ कर लो कर लो कर लो। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ अलग अलग कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे किसको डी मानेंगे को बता सकते हैं मुझे, एक्स वही वाला सवाल ही होगा, एक्स की बार सिक्स को मान लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे किसको डी मानेंगे बच्चा बता सकते हैं मुझे, इस वाले में टेन एक्स को, खाली टेन एक्स को डी मान लो, वो टी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, इसका डेफिनेशन कितना हो जाएगा, वो सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास यहाँ, बट यू हैव टू डू इट, दो चार सवाल करके देखेंगे। हाँ बोलो कुछ कहना चाह रहे हो, हाँ एक्स अपॉन अंडर रूट में कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कर लिया, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, हाँ 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 जब वो a डिवाइड एक्स प्लस बी करके, हाँ वैसे कर लेंगे इसको, करके देखना है, देखो ये सारे सवाल ऐसे ही, देखो यहाँ इनमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये तो सिंपल वाले आ गए, फिर देखो पी एक्स प्लस क्यू वाली फॉर्म आ गई, उनमें अलग अलग करेंगे हम लोग, वही वाला जुगाड़ है यहाँ पे भी, यहाँ भी अलग अलग करेंगे, यहाँ भी अलग अलग करेंगे, सब जगह ये फॉर्म बनती चली जाएगी, ऐसे एग्जाम्पल में दे रखें यहाँ पर। तो व्हाट इज योर टास्क, व्हाट यू हैव टू डू, केवल इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मैनेज करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एग्जांपल करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे एग्जांपल करेंगे, ठीक है बेटा, तो आज हम इतने रखते हैं, बाय बाय एवरीवन।